अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया, उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रहता है जो कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब हमने टाइप्स ऑफ साल्ट डिस्कस किया था और हमने साल्ट्स के रिएक्शन देखे थे। क्योंकि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो आपके पास एक सॉल्ट बना होता है जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है जिसकी पीएच होती है वो 7 होती है। इस वजह से इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप लोग अपनी बुक के ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है उसको कर सकते हो, ये आपको शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। और दो के एटलीस्ट आप लोग रिएक्शन कर लो। आज बेसिकली हम देखेंगे आप लोगों की टेस्ट योर सेल्फ 2.1, ठीक है। सबसे पहले जरूरी बात है कि टेस्ट योर सेल्फ करने से पहले आपको जो पीछे टॉपिक है जिसकी टेस्ट योर सेल्फ बनी है, ठीक है, अब इसके अंदर आर्हेनियस बेस का कॉन्सेप्ट है, प्रोनोस्टेरोलोडी बेस का कॉन्सेप्ट है और लेवर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, तीन टॉपिक्स के अंदर आते हैं। तो जरूरी है कि आप लोग वो अच्छी तरह याद करो। जब आप लोग वो अच्छी तरह याद करोगे तो फिर आप लोग टेस्ट योर सेल्फ खुद आसानी से सॉल्व कर सकोगे। यहां मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, उनको नजरअंदाज रखकर आप लोगों ने तैयारी करनी है, ठीक है। और डेफिनेशन आप लोगों ने बुक वाली ही करनी है, ठीक है, नेट से या किसी गाइड्स लेने की जरूरत नहीं है। जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन है वही करनी है, जो रिएक्शन बुक के ऊपर मेंशन है वही करनी है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्हेनियस बेस एंड ब्रोनोस्टेरोलोडी बेस। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि डिफरेंस क्या होता है आर्हेनियस बेस का और ब्रोनोस्टेरोलोडी बेस का। यहाँ पर मैंने एक आपको लाइन की फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया, इसको ऐसा नहीं लिखना। पेपर के अंदर आप लोगों ने एक लाइन ड्रा करनी है, एक तरफ आप लोगों ने आर्हेनियस बेस लिखना है, टॉपिक मीन्स की हेडिंग देनी है आर्हेनियस बेस की, और दूसरी तरफ आप लोगों ने हेडिंग है ब्रोनोस्टेरोलोडी बेस की, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप लोगों ने डेफिनेशन की आर्हेनियस बेस क्या होता है आपके पास, ठीक है, और ब्रोनोस्टेरोलोडी बेस क्या होता है, उस पर आप लोगों ने स्पेसिफिक इन दोनों की रिएक्शन लिख देने, ठीक है। जो भी आप लोग एक या दो दो आप लोग रिएक्शन लिख सकते हो, बता सकते हो कि हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ आर्हेनियस बेस या फिर लोअर ब्रोनोस्टेरोलोडी बेस, ठीक है। तो आप लोग रिएक्शन भी लिख सकते हो और कंपाउंड्स के नाम भी लिख सकते हो कि ये इस तरह एक्ट करेंगे, ये इस तरह एक्ट करेंगे। अब यहां से हम एक दफा पढ़ लेते हैं। आर्हेनियस बेस इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव इन एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और एग्जांपल कौन कौन सी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जबकि ब्रोनोस्टेरोलोडी बेस क्या होती है, इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस। दिस डेफिनेशन इज ब्रॉडर एंड इंक्लूड सब्सटेंस लाइक अमोनिया विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन टू फॉर्म NH4 पॉजिटिव, मतलब अमोनिया बनाता है। अब NH3 के अंदर OH नहीं है, ठीक है, तो ये आर्हेनियस के मुताबिक ये एक बेस नहीं है, ये इसके क्या है, एक लिमिटेशन है आर्हेनियस की। लेकिन ब्रोनोस्टेरोलोडी के मुताबिक ये क्या है, ये बेस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है और NH4 पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। देन बच्चों आता है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो बच्चों सिंपल सा क्या है, आप उन्हें एक रिएक्शन लिख देना है एसिड और बेस के दरमियान, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है HCl के दरमियान और NaOH के दरमियान। यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख देती हूँ, आप इसको बुक पर लिख लो, HCl प्लस NaOH गोज टू किसके अंदर जाएगा, आपके पास NaCl बनेगा जो कि एक सॉल्ट होगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, प्लस H2O। तो ये आप लोगों के पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक सॉल्ट है, एक एसिड है और एक आपके पास पीस है, ये दोनों एक्ट करते हैं, एक दूसरा रिएक्शन करते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और वाटर जो होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है, एलिमिनेट होता है। देन आता है वाटर, प्रूफ दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज। मैंने एम्फोटेरिक स्पीशीज के बारे में पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। एम्फोटेरिक स्पीशीज एक ऐसी स्पीशीज होती है जो एक्ट करती है एज अ एसिड और एज अ बेस, मीन्स के दोनों तरह एक्ट करता है। जैसे जिंक जो होता है हमारे पास, जिंक ये दोनों तरह एक्ट करता है, एज अ एसिड भी एक्ट करता है और एज अ बेस भी एक्ट करता है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज हैं। सेम इस तरह वाटर जो होता है वो भी एक एम्फोटेरिक स्पीशी है, ठीक है। एम्फो मीन्स मैंने आपको पहले बताया था कि एम्फोटेरिक स्पीशीज जो होती हैं वो हमारे पास बहुत ज्यादा लेस भी होती हैं, ठीक है, मीन्स कि इतना प्योरटेबल के अंदर सारी स्पीशीज होती हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, एम्फोटेरिक नहीं होते हैं। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर दो रिएक्शन गिवन है जिसके अंदर एक तो पहले H2 जो है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपके पास हाइड्रोनियम आयन और Cl मीन्स क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो, मीन्स जैसे हमारे पास आता है अमोनिया आता है, इसके अंदर क्या होता है, वाटर जो होता है वो एक्ट करता है एज एन एसिड, ठीक है। तो आप लोगों को प्रोडक्ट्स पता होना चाहिए कि किस तरह वाटर जो होता है वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस के तौर पर एक्ट कर रहा है। इसके अलावा आप लोग जिंक की भी एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। देन आता है, हाउ कैन जस्टिफाई दैट अमोनिया NH3 इज अ ब्रोनोस्टेरोलोडी बेस बट नॉट एन आर्हेनियस बेस। वही जो बात हमने यहाँ पर पढ़ी है कि ब्रोनोस्टेरोलोडी बेस क्या होती है, ब्रोनोस्टेरोलोडी बेस एक ऐसी बेस होती है जो कि क्या करती है, एच पॉजिटिव, मीन्स कि प्रोटॉन जो होती है वो एक्सेप्ट करती है। जबकि आर्हेनियस बेस क्या होती है, जो कि हाइड्रोक्सन आयन जो होती है वो सॉल्यूशन में देती है। लेकिन अमोनिया जो है इसके अंदर OH है ही नहीं है, इसके अंदर सिर्फ NH3 है, ठीक है, OH है ही नहीं है, तो ये कैसे आपके पास एक आर्हेनियस बेस हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता आर्हेनियस बेस। तो यहाँ पर उन्हें ही बताया हुआ है कि NH3 जो है वो ब्रोनोस्टेरोलोडी बेस है जबकि आर्हेनियस बेस ये नहीं है। क्यों, किस तरह चेक किया, जब हमने NH3 का वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया या वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बने हैं वो ये शो करते हैं कि ये ब्रोनोस्टेरोलोडी बेस है ना कि आर्हेनियस बेस।
ओके बच्चों, देन वो कहते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीबेस कंसेप्ट। कहते हैं लीबेस कंसेप्ट के मुताबिक आपने एक्सप्लेन करना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या करेंगे आप लोग, सिर्फ जनरल रिएक्शन दे देंगे किसके दरमियान, NH3 के दरमियान और BF3 के दरमियान। आप इनके दरमियान एक रिएक्शन दे देंगे तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा NH3 BF3, जो आपके पास एक प्रोडक्ट बना है वो क्या है, वो एक सॉल्ट के फॉर्म में है, ठीक है, वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो करता है। अब यहाँ पर शॉर्टकट आंसर आया, तो आपने सिर्फ ये नहीं करना है कि सिर्फ यहाँ पर थ्योरी लिख देनी है कि हाँ भाई ये एक लीबेस एसिड है, एक लीबेस बेस है, नहीं ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने इसका जो बुक पे आपकी रिएक्शन मेंशन है, किस तरह ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स हो रहा है, ठीक है, किस तरह एक्सेप्ट हो रहा है प्रोटॉन्स, ठीक है, NH3 के पास जो H पॉजिटिव है वो कैसे जा रहा है BF3 के पास और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। देन बच्चों आता है डिफाइन एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीबेस एसिड। लीबेस एसिड की आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं। इसके सबसे पहले क्या आता है, लीबेस एसिड इज सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आपको पता है कि लीबेस एसिड वो होता है जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं, ओपन हैव एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फॉर लीबेस बेसिस, एग्जांपल इंक्लूड BF3 AlCl3 एंड H पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या है, एक लीबेस एसिड है, ठीक है। आप लोग बुक के ऊपर जो टेंशन है वो भी लिख सकते हो। देन आता है व्हाई BF3 एक्ट एज अ लीबेस एसिड। लीबेस एसिड क्यों, क्योंकि आपको पता है कि BF3 के पास क्या होता है, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। जब मैंने आपको लीबेस एसिड बताया था, समझाया था कि किस साइज के रिएक्शन होता है, तो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बोरोन के पास 5 बॉन्ड्स बनाने के बाद भी इसके पास 3 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्सेप्ट किसी से कहता है कि मेरे पास आ जाए और मैं इनको एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है। और क्या करता है, वो अमोनिया की जो होती है हाइड्रोजन वहाँ से ये ले लेता है, जिस वजह से ये अपना बॉन्ड जो है कंप्लीट करता है और ये एक्ट करता है एज अ लीबेस एसिड। BF3 एक्ट एज अ लीबेस एसिड बिकॉज इट हैज एम्प्टी पी ऑर्बिटल एंड कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ लीबेस स्पेस। दिस मेक्स इट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। ये इसकी खासियत है जिसकी वजह से क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ लीबेस एसिड। और बच्चों उसके बाद आप लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन, जिसके उन्होंने बताया हुआ है कि वाटर जो होता है वो किस है, एक एम्फोटेरिक स्पीशी है अकॉर्डिंग टू ब्रोंसिलोरी एसिड और बेस के हवाले से, और लीबेस एसिड और बेस के वजह से उसका कैसी नेचर है, ठीक है। तो ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ वाटर किस तरह एक्ट करते हैं, आगे बुक के ऊपर एक सेपरेट टॉपिक है तो आप लोग वहाँ से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे बेसिकली आपके टेस्ट योर सेल्फ कि हमने किस तरह इसको करना है, ठीक है। सारा फोकस आप लोगों ने किस तरह करना है कि जो आपकी बुक के ऊपर चीज़ मेंशन है, ठीक है, बाहर से कोई चीज़ भी लेने की जरूरत है नहीं। जब सारी चीज़ें आपकी बुक मेंशन है, सारी चीज़ें आपकी रीडिंग में मेंशन है, आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, फिल्टर आउट करना है। आप लोगों ने देखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किसको ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन जो है किसका आंसर जो है वो ज्यादा सही है, ठीक है। तो ये था बेसिकली आज की वीडियो के बारे में। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फिर मानेला।